कल इमरान खान ने कुछ हदायत की थी अली अमीन गंडापुर को, जिनमें से एक ये भी थी कि एस्टेब्लिशमेंट से सारे मुज़ाकरात ख़त्म करो, इनसे कोई बातचीत नहीं होगी और हुकूमत केपीके जाती है तो जाए, जलसे एहतजाज हर हाल में अब शुरू करो। ये पैगाम आते ही सबसे पहले दो पुलिस अफसरान को हटा दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा से। इमरान खान ने कल कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। राउफ हसन को गलत फहमी हुई है। अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लीडरशिप को हदायत है एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करने। एस्टेब्लिशमेंट के लोग राइट दिखा के लेफ्ट मारते हैं। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात रोकने की खबर की तस्दीक कर दी है और कहा है कि मैं इस खबर की तस्दीक करता हूँ। मैंने ही अली अमीन गंडापुर को कहा था कि अब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अब दूसरी जानिब दोस्तों, सवात में गैर मुल्की सफारतकारों के काफिले पर हमले पर DIG मालाकंड और DPO सवात को ओहदों से फारिग कर दिया है अली अमीन गंडापुर ने। अब इसके पीछे असल रीजन क्या है, ये भी आपके सामने रखते हैं। सवात में गैर मुल्की सफारतकारों के काफिले पर बम धमाके के वाक़े पर DIG मालाकंड मोहम्मद अली गंडापुर और DPO सवात जाहिदुल्ला को ओहदों से फारिग करके CPO रिपोर्ट करने की हदायत जारी कर दी है। सूबाई हुकूमत ने इस दहशतगर्द हमले की तहकीकात के लिए एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला पर मुश्तमिल दो रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी को वाकये के तमाम पहलुओं पर तहकीकात करने और एक मुफसिल रिपोर्ट मरतब करके सूबाई हुकूमत को अरसाल करने का टास्क दिया गया है। ख्याल रहे कि 22 सितम्बर को सवात के इलाके मालम जब्बा में गैर मुल्की सफारतकारों के काफिले पर दहशत गर्दों ने बम से हमला किया, जिससे एक पुलिस अहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए थे और तमाम सफारतकार महफूज रहे थे। अब यहाँ पर PTI को ये खदशा है कि ये एक प्री प्लान्ड हमला था, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा की हकूमत के खिलाफ इकदामात करने थे, क्योंकि इस हमले के फौरी बाद जो थे वो हकूमत ने ऐलान कर दिया था कि KPK में हालात जो हैं वो कंट्रोल ना हुए तो हम कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, यानी कि गवर्नर राज लगाने का फैसला कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन पुलिस अफसरान को खैबर पख्तूनख्वा की हकूमत ने फारिग करना अब शुरू कर दिया है जो कि इन मंसूबों में हुकूमत के साथ खड़े हैं, क्योंकि जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर भी ये सवाल उठा रहे थे कि जब इस दौरे का NOC ही नहीं लिया गया था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, तो ये दौरा क्यों करवाया गया और इस दौरे का सिर्फ पाकिस्तान की एजेंसियों को पता था तो फिर ये हमला हुआ कैसे? न आवाम को पता था, न खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को पता था, तो फिर इन दहशतगर्दों को कैसे पता चल गया कि ये जो है दौरा हो रहा है? तो यहाँ से खदशात जो थे वो बढ़ते गए। इसके बाद इन दो पुलिस अफसरान को भी फारिग कर दिया गया है और नए अफसरान जो हैं वो अब यहाँ पर आकर तफ्तीश करेंगे।